हो चुके हैं माथा फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। आप यहाँ का पीछे का लोकेशन देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड ये रहा माथा फॉरेस्ट रिजॉर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को ये कुछ दिखाते हैं। हम लोग अंदर घुस चुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है क्योंकि ऊपर पूरा माउंटेन्स है एंड इधर है लाइक रूम्स वगैरह, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है। चलिए अंदर जाते हैं और लोगों को कितनी दिखाते हैं। लोकेशन बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे, यहाँ पर लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आप लोग पूरा रिजॉर्ट को देख सकते हो, बहुत अच्छा है। तो आप कभी भी आओ तो लाइक यहाँ ज़रूर आना और अपना रिव्यू ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस आप पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक क्या ही बोले इस जगह के बारे। एंड यहाँ मन कर रहा है कि एक दिन के लिए स्टे करना पड़ेगा, बस यहाँ पर लंच के लिए हम लोगों को रोका गया है। वाह यार जगह बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं माथा फॉरेस्ट रिजॉर्ट से, अभी डायरेक्टली हम लोग जाएंगे कुशलपल्ली रिजॉर्ट और बहुत लंबा सफर होने वाला है, एकदम थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बट यहाँ हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू था। और वहाँ पे लाइक कुशलपल्ली में आप दो दिन मतलब स्टे कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ भी आ सकते हो वन डे स्टे के लिए। ये सब सारा कुछ पैकेज में ही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स वगैरह सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज गाइज आप लोग भी आओ एंड इंजॉय करो इस जगह को और कमेंट पे जरूर बताओ। सो गाइज आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और तबीयत भी खराब हो गया था, तो मैंने अपडेट नहीं दिया। अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली डीजे नाइट के लिए। सो वहाँ पे मिलते हैं आप लोग से, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, तो चिल मारेंगे। चलिए वहाँ पर गाइस हम लोग रूम आ चुके हैं डीजे नाइट से और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा थक गए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम लोग वापस जाने वाले हैं, तो ब्लॉग में ज़रूर से बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो बाय बाय।